ये चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी जो मैंने हस्तिनापुर के पास पाली गांव से 22 अगस्त 2022 को यात्रा शुरू की। नमस्कार, मैं हूं भारत अधाना और आपका अधाना टीवी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दीपक भाई। अभी दीपक भाई ने 13,000 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा की और आज उसका समापन। आपको बता दें, दीपक भाई ने एक रिकॉर्ड बनाया है। सीधे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक भाई हैं। दीपक भाई, सबसे पहले आपका अधाना टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीपक भाई, आप इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हो। सब लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ हसनपुर में के पास पाली गाँव है, तो वहाँ से रहने वाला हूँ। दीपक भाई, आपने अभी भी 13,000 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा तय की है, आपके कैसे मन में आपका ये आया? ये विचार हमारे गुरु आदि शंकराचार्य जी थे, तो उन्होंने सबसे पहले देश का भ्रमण किया था सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए। तो जैसे हमने उनके बारे में पढ़ा, तो हमारे मन में विचारा क्यों ना हम अपने सनातन धर्म के लिए एक पैदल यात्रा करके जगह जगह जाकर अपने धर्म का प्रचार करें। अच्छा, आपने जैसे देश भर में भ्रमण करा, कोई यादें आप शेयर करें, आप भ्रमण किया, जब आपने भ्रमण किया। देखिए, भ्रमण यादें मतलब जैसे हम साउथ में गए, तो साउथ में क्या, वहाँ का कल्चर बहुत अलग था, वहाँ की हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आया, खान पीन समझ में नहीं था, वहाँ का नॉन वेज बहुत ज़्यादा था, तो खान पीन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही वहाँ पर हमें। तो वहाँ फिर आपने कैसे अपना खान पान रखा? बस खान पान का ये था हमारा, हमने बिस्कुट नमकीन के सारे से टाइम काटा वहाँ पर। जी, तो दीपक भाई, आपकी यात्रा कब शुरू हुई थी? ये 22 अगस्त 2022 को। तो आपकी जो ये यात्रा थी, कौन कौन से राज्य से होकर निकली? इसमें 15 स्टेट आए थे, जैसे अपना यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और झारखंड, बिहार, फिर यूपी। आपने जो चार धाम की यात्रा करी, आप थोड़ा उस यात्रा के बारे में बताएं। ये चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी जो मैंने हस्तिनापुर के पास पाली गाँव से 22 अगस्त 2022 को यात्रा शुरू करी थी। तो उसके बाद फिर मैं केदारनाथ गया हरिद्वार को होते हुए, और केदारनाथ के बाद फिर मैं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के बाद मेरठ को होते हुए मैं दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली के बाद मैं गुड़गांव हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के मैं उज्जैन शहर में जाकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, और उसके बाद खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा जहाँ पे ओमकारेश्वर है, वहाँ पे दर्शन करे, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे अपनी यात्रा। ठीक है, दीपक भाई को जो इस वक्त दीपक भाई, आपको देश भर से इतना प्यार मिला, लोग आपकी इस यात्रा में शामिल हुए, कैसे शुक्रगुजार करोगे, आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों से? देखिए, सभी लोगों ने मेरा अच्छा सपोर्ट करा, क्योंकि ये सब आशीर्वाद था। अगर बड़ों का आशीर्वाद मेरे सर पे नहीं होता, शायद मेरे आशीर्वाद ये पूरी ना होती। कहते हैं, मैं चलता गया रास्ते मिलते गए और राहों के कांटे फूल बनकर खिलते गए, ये कोई जादू नहीं था, ये आशीर्वाद था मेरे अपनों का, मेरे बड़ों का, वरना इस राह पे लाखों लोग फिसलते गए। जी, आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, और जब आपने जब ये यात्रा शुरू करी, उस वक्त आपके घर में क्या माहौल था, क्या जब आपने कहा कि मुझे ये यात्रा तय करनी है पैदल पद यात्रा, उस समय का क्या आपका रहा वो बताइए। देखिए, जब मैंने यात्रा शुरू किया उसके बारे में मैंने जानकारी पहले घर में नहीं दी, उससे पहले क्षेत्र में पता चल गया था कि मैं यात्रा करने जा रहा हूँ, क्योंकि घर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि घर वाले इस चीज़ को लेकर एग्री नहीं थे, क्योंकि देखो, कोई भी हो, अपने भाई हो, बहन हो, कोई नहीं चाहता कि मैं 6-7 महीने अपने घर से दूर रहे। वो दूर रहे तो पता नहीं किस सिचुएशन में रहे, वहाँ पर उसे पानी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, तो देखो, अपनों का प्यार ये होता तो कोई नहीं चाहता कि तू इतनी दूर जाकर भूखा प्यासा रहेगा, पता नहीं कैसे रहेगा, तो सब मना कर रहे थे, भैया ने थोड़ा धमकाया भी था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने यात्रा शुरू कर दी तो सभी का प्यार मिला, तो सभी अब आगे रही है और सभी बहुत खुश है। दीपक भाई, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर आपको इतना प्यार मिला, राजस्थान के लोक गायक, उन्होंने आपके ऊपर एक गाना भी लिखा, वो बहुत चर्चा का विषय रहा, इतना समर्थन आपको, इतना प्यार मिला, और आपने इतना बड़ा काम किया, भाई ने रिकॉर्ड ही बनाया है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पूरे सनातन धर्म के लोगों का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया, उन्होंने मेरी जो यात्रा है 13,000 किलोमीटर की, इसको पूरी करने के लिए मुझे जो ताकत, मेरे साहस दिया, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का। और इस यात्रा को करने का मतलब जो ताकत देने का उद्देश्य है, ये सभी सनातन धर्म के लोगों का है, जो धर्म प्रेमी है, उन्होंने सबने मेरा सपोर्ट करा, मेरा हौसला बढ़ाया और मेरी ताकत बनने का काम। दीपू भाई, इस पूरी यात्रा का, इस पैदल पदयात्रा का उद्देश्य क्या था आपका? इस पैदल यात्रा का उद्देश्य था सनातन धर्म को जागरूक करना। देखते हैं, हम जगह जगह आप देख रहे हैं, हम जातिवादों में बटे हुए, जैसे कि जाट, बनिया, गुजर और यादव, हम हिंदू नहीं बनते, और हमें हिंदू बनाना, हम चाहते हैं कि मतलब एक हिंदू बने,
कहते धर्म वो कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और दीपक नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि हिंदू बने, एक रहे और संगठित रहे। देखिए इस वक्त मैं पाली गांव के मंदिर के प्रांगण के पास ही मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और दीपक भाई ने जो ये रिकॉर्ड बनाया है वाकई में बहुत अभूतपूर्व है, इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। लेकिन देश की मीडिया ने इसको नहीं दिखाया है, लेकिन सच में ही दीपक भाई ने बहुत बड़ा काम किया है। दीपक भाई को बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं, दीपक भाई को जो प्यार मिला उसके लिए शुक्रगुजार हैं सब लोगों का। और दीपक भाई अंत में क्या कहना चाहोगे आवाज़ टीवी न्यूज़ के माध्यम से? अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी धर्म प्रेमियों से जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना साहस दिया और एक मेरी ताकत बढ़ने का काम किया। मैं सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या अभी तो आपने 13,000 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा की है, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? देखो जो भोलेनाथ ने चाहा गया क्या बता दे, भविष्य तो किसी को नहीं पता होता, उद्देश्य तो यही है हम किसी की मदद करने के लायक हो जाए, यही बहुत है हमारे लिए। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आप दीपक भाई के इस इंटरव्यू को देखें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मैं हूं भारत अधाना, जय हिंद जय भारत।